हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चोकोबार आइसक्रीम। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये आइसक्रीम किसी भी मौसम में खाई जाती है और बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, आइए चोकोबार आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रहे हैं हम 2 कप दूध। 2 कप दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे मिल्क पाउडर, 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल देंगे दूध को गाढ़ा करने के लिए। मिल्क पाउडर के बाद हम डाल रहे हैं चीनी, हमने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को और मिल्क पाउडर को दूध में मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे। देखिए, दूध में मिल्क पाउडर और चीनी अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। अभी हमें उबाल आने का वेट करना है। देखिए, दूध में उबाल आने लग गया है। अभी हमें 2 से 3 मिनट दूध को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हमने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप के आसपास हम कॉर्नफ्लोर में दूध डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, दूध में कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने यहाँ पे लिया है वेनिला एसेंस, लगभग 1 चम्मच के आसपास हम वेनिला एसेंस दूध में मिक्स कर देंगे। दूध में वेनिला एसेंस बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध तैयार किया था, इसको भी हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में चोकोबार आइसक्रीम के लिए जो हमने दूध तैयार किया है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है। एक बार बॉईल हो जाने देंगे। देखिए, कॉर्नफ्लोर वाला दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए मिक्स ठंडा हो चुका है। देखिए, काफी गाढ़ा भी हो गया है। अब अगर आपके पास में आइसक्रीम मोल्ड है तो आप उसमें इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसक्रीम मोल्ड के अंदर हम आइसक्रीम नहीं बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं डिस्पोजेबल जो चाय के ग्लास आते हैं, वो हमने यहाँ पे लिए हैं। आइसक्रीम का जो मिक्स हमने तैयार किया है इसको डाल देंगे। कप में हमने आइसक्रीम के मिक्स को भर दिया है। अब हमने लिया है फॉइल और फॉइल से इस तरह से कप को कवर कर देंगे। इसी तरह से सभी कप को हम कवर कर देंगे, और ये बहुत ही आसान तरीका है आइसक्रीम बनाने का। देखिए, हमने कप को फॉइल से इस तरह से पैक कर दिया है, अच्छे से कवर कर दिया है। सभी कप अच्छी तरह से कवर हो गए हैं। अब इसमें हम हल्का सा बीच में कट कर देंगे, और अब हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे, स्टिक को कप में लगा देंगे। इसी तरह से सभी कप में हम कट लगा लेंगे। देखिए, हमने आइसक्रीम के लिए सभी कप तैयार कर लिए हैं, सभी में हमने आइसक्रीम स्टिक भी लगा दी है। अब हम इसको 12 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया 200 ग्राम मिल्क कंपाउंड। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। चॉकलेट के हमने पीसेस कर लिए हैं। अब इसको हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें सारी चॉकलेट को डाल देंगे, और पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि फटाफट से बाउल को पानी के ऊपर रख देंगे और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। हमने भगोने में पानी रखा था। देखिए, पानी बॉइल हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने चॉकलेट का बाउल तैयार किया है उसको इस भगोने के अंदर रख देंगे। अब हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच के आसपास कोकोनट ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। देखिए, चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम चॉकलेट को एक ग्लास में निकाल लेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम पे कोटिंग हो जाए। देखिए, आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, और कप के अंदर हमने कैंची से कट लगा लिया है और आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है।
देखिए कितने बढ़िया से हमारी चोकोबार आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो अपने आप ही हट जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी आइसक्रीम पर कोटिंग कर दी है और कितनी बढ़िया से हमारी चोकोबार आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। देखिए आपको पास से दिखाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, चोकोबार आइसक्रीम बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।